किसने सोचा था ऐसा वक्त देखना पड़ेगा, यहाँ दिल्ली की सड़क में बैठ के खाना खाना पड़ रहा है। This is just the bus station and the view here is insane. This is the best part of the room. This is why I chose this hotel. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. तो ये start होने वाली है travel series, क्योंकि मैं travel करने वाली हूँ to a beautiful location for the New Year's vacation. तो finally ये year end छुट्टी होने वाली है. साल में कितनी भी छुट्टी ले लो ना, इस छुट्टी का तो मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि पता नहीं दिमाग में से रहता है कि लाइक देर विल बी अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू ईयर इज बिगिनिंग. सो वो एक ब्रेक लेके टू यू नो हैव अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट ईयर एंड एंटरिंग इन टू अ न्यू ईयर. सो आई रियली रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेकेशन, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ. अभी 12:30 बज रहे हैं एंड इग्नोर दिस ब्यूटिफुल आउटफिट ऑफ माइन टूडे. मैं अपना बाथरोब पहन के बैठी हुई हूँ जो मैंने सरोजनी से खरीदा था, एंड दिस इज सो वॉर्म. मैंने इसके अंदर एक हाफ स्लीव्स का टॉप पहना हुआ है और मैंने कल रात से इसको पहना हुआ है. ये इतना ज़्यादा कोजी और वॉर्म सा है कि मुझे इसको उतारने का ही मन नहीं कर रहा है, एंड लाइक इट इज़ वेरी वेरी गुड. तो मस्त इसमें स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है. अ लॉट ऑफ स्टफ टू फिनिश बिफोर आई लीव फॉर द वेकेशन. तो कल तो मैं पैकिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज आई हैड टू शूट. कुछ ब्रांड कॉन्टेंट था जो मुझे शूट करना था एंड कल ही डेडलाइन थी. तो कुछ की तो डेडलाइंस थी और कुछ की मतलब मैं अपलोड करके ही जाऊँगी, बिकॉज इस बार मैं अपने वेकेशन पे अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर रही हूँ. इट विल बी लाइक अ प्रॉपर छुट्टी एंड या तो अभी मैं वही अपनी वीडियो अपलोड पे लगा रही हूँ, स्केड्यूल करके जाऊँगी ताकि आप लोगों को यू नो कॉन्टेंट मिलता रहे. अगर एंड अभी मेरी बिल्कुल पैकिंग नहीं हुई है, 12:30 बज चुके हैं एंड लाइक आई एम एट ज़ीरो विद माई पैकिंग. पीछे पूरा सामान फैला हुआ है. मैंने अपने आउटफिट्स अभी ट्राई किए थे. आई वॉज प्लानिंग माई आउटफिट्स, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे आउटफिट्स प्लान करके नहीं लेके जाती एंड फिर वहाँ पे मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन सा किसके साथ पहनूँ. तो इस बार आई एम जस्ट गोइंग टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट बिफोर आई लीव. एंड या आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैवल सीरीज. सो कीप ऑन यू नो वॉचिंग द वीडियोज एंड द व्लॉग्स. मुझे DMs आए थे जब मैंने स्टोरी पे रिवील किया था दैट आई एम लीविंग फॉर अ वेकेशन. तो मुझे DMs आए थे कुछ लोगों के कि व्लॉग्स आएंगे या नहीं. तो मैंने उनको भी यही बोला था कि आई विल ट्राई, बट व्लॉग्स के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती बिकॉज व्लॉग मैं अपने दिमाग में प्रॉपर व्लॉग कर रही होती हूँ, बट कैमरा उठाते आई डोंट नो वॉट हैपन्स टू मी. बट मैं लोगों के सामने अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाती, बट इस बार आई विल ट्राई टू डू सो. सो इसीलिए व्लॉग स्टार्ट तो हो ही गया. अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड या लेट्स गो. A few moments later. So, अभी मेरी एडिटिंग हो गई है. फाइनली मेरा 2022 का सारा कंटेंट हो गया है शूट करके एडिट करके. मैं चाहती थी कि 2022 का सारा कंटेंट इसी साल में निपटा दूं, बट ऐसा हो नहीं पाया. कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स बचे हुए हैं जो कि अपलोड के लिए बचे, मतलब एडिट और शूट तो हो गए हैं बट वो अभी 2023 में. सो जनवरी में आप लोगों को थोड़ा अभी का शॉर्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, बट या उसके अलावा लॉन्ग वीडियो सारी इस साल की इसी साल में निपट गई है. इस साल की जो लास्ट वीडियो होने वाली है वो मैं स्केड्यूल पे लगा चुकी हूँ एंड वो आप लोगों को इस वीक में देखने मिल जाएगी. इस ब्लॉग के जाने से पहले तो वो आई चुकी होगी, तो अभी चेकआउट नहीं किया तो कर लो. एंड या अभी हम शूट कर रहे हैं 2023 का कॉन्टेंट. तो प्रॉबेबली 2023 विल स्टार्ट विद द ट्रैवल सीरीज. एंड या अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ. आई हैव प्लान्ड ऑल माई आउटफिट्स हियर. मैंने इस वाले बैग में रखे थे बट सब कुछ फिट नहीं आ रहा है. सो नाउ आई विल ट्रांसफर देम टू दिस बैग. माई पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, लाइक ऑलमोस्ट से थोड़ी सी कम, बट लाइक आई हैव पैक्ड ऑल माई क्लोथ्स इन दिस बैग. इस पॉलिथिन में आई हैव केप्ट माई शूज. लाइक आउट ऑफ द 4 बूट्स दैट आई ओन मैंने 2 रखे हैं. एंड आई एम प्लानिंग बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मैं अभी जब जाऊँगी तो मैं स्नीकर्स पहन के जाऊँ या फिर अपनी स्लाइड्स पहन के जाऊँ. नॉट इवन स्नीकर्स, आई एम प्लानिंग टू वेयर अ स्पोर्ट्स शूज, क्योंकि अगर मैं अभी स्पोर्ट्स शूज पहन लेती हूँ तो मुझे रखने के लिए उसकी जगह बच जाएगी. एंड इफ अगर हम लोग वहाँ पे कहीं ट्रैक वगैरह पे जाते हैं आई नॉट बी कंफर्टेबल वियरिंग बूट्स. ये मैंने अपने पिछली ट्रिप से लेसन लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बूट्स लेके गई थी वो भी हील्स वाले एंड वो वहीं चलते थे टूट गए थे. सो आई हैड टू बाय अनदर बूट्स. तो लाइक इफ यू आर गोइंग इन एनी यू नो माउंटेन एरिया तो हैविंग अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज इज अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ जाती है. तो फिर आई
मे बी वियर स्नीकर्स, बट दिक्कत ये है कि अगेन लास्ट टाइम मैं स्नीकर्स पहन के गई थी, बट अगर एक बार स्नीकर्स खोल दो तो ट्रैवलिंग के टाइम पे ना मेरे पैर सूज जाते हैं एंड मेरे जूते मुझे टाइट हो जाते हैं, वो फिर मेरा पैर जूतों में आता ही नहीं है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्लीपर्स पहन के जाऊँ या फिर स्नीकर्स पहन स्पोर्ट्स शूज पहन के जाऊँ, बट अदर देन दैट माई पैकिंग इज ऑल डन। अभी मेरे को बस इसके ऊपर से अपना कोट रखना है। जाम में फंसे हुए हैं मैं और मम्मी, पापा तो वॉशरूम गए हैं और दूसरी कार में अंकल आंटी और मेरा भाई थे, वो अभी पहुंच भी चुके हैं। तो अभी मैं चाट खा रही हूँ एंड मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, इतना लंबा जाम लगा हुआ है एंड आई एम लुकिंग हॉरिबल बिकॉज मैं एक कार में सो चुकी थी एंड जो हमारा कैब वाला है उसने भी पैपे 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 मेरे साथ खा दिया है। कभी पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, दो सेकेंड में भजन गाने लग जा रहा है, ऊपर से इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो कब पहुँचेंगे। पहले हमें लग रहा था कि हम इतनी जल्दी निकल गए बोर हो जाएंगे, बट अभी ये जाम देख के लग रहा है कि हम टाइम पे पहुँच जाए वो ही वो होगा। सो आई सी यू गाइस एक बार मैं पहुँच जाऊँ तो। किसने सोचा था ऐसा वक्त देखना पड़ेगा, यहाँ भी दिल्ली की सड़क में बैठ के खाना खाना पड़ रहा है। जो मना कर रहे थे वो सबसे पहले आ गए। फाइनली 2 घंटे के बाद हमारी बस आ गई है, 2 भी नहीं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हमने यहाँ पे वेट किया था और यही फुटपाथ पे बैठ के हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था बिकॉज आसपास अभी एज सच कुछ है नहीं एंड अभी बस आ गई है तो हम लोग बस में बैठने वाले हैं एंड आई रियली लुक होमलेस, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट आई एम वेरी टायर्ड और कल रात भी मैं लेट सोई थी बिकॉज आई वॉज एडिटिंग वीडियोज एंड एवरीथिंग। सो अभी मोस्ट प्रॉबेबली मैं सो जाऊँगी बस में जाके, बट अगर मैं सो गई तो मेरा भाई कहेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी डू इन द बस। बट या अब तो बस आ गई है, अभी 11 बजने वाले, 10:30 अभी हो रहा है, 11 बजे हमारी बस यहाँ से निकल जाएगी एंड प्रॉबेबली टुमारो मॉर्निंग आई वेक अप टू अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल व्यू एंड वहीं मैं आप लोगों को भी वापस चेक इन करूँगी। हाय बोलो। हाय। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. This is just the bus station and the view here is insane. After almost 13 hours of traveling, हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली में एंड यहाँ आते ही चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ गया है, लाइक माई चीज आर लुकिंग सो पिक एंड द व्यू इज सो ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम आँख खुलते, इतने सारे पहाड़ दिखे हैं एंड हियर वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब। आंटी हाय बोल दो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? है ना, यहाँ पे कितनी अच्छी वीडियोस आ रही है। मम्मी कहाँ है? अभी हम लोग सब यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं एंड अभी टैक्सी आएगी फिर हम लोग अपने होटल जाएंगे और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हल्की ठंड है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी हमने इमेजिन करी थी
पार्ट इतना सुंदर व्यू है कि मेरा तो अभी से सोच सोच के दिल दुख रहा है कि हमें वापस जाना है 3 दिन के बाद। अभी हमारी कैब आ गई है एंड उसके बाद होटल जाएंगे, तो मैं वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। होपफुली वहाँ का व्यू तो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये हिमालय नहीं आ रही जो सामने। हाँ हाँ, लेकिन आजकल ठंड है ना भैया, बाइक में ज्यादा दूर थोड़ी ना वहाँ से। यहाँ बाइक में अरे वो हिमालयन नहीं, वो हिमालयन बाइक कह रहे मम्मी। अच्छा, मम्मी सोच रहे हमारा गांव होटल आ गया। अच्छा, तो भी आगे है। दिमाग खराब हो रहा ना ट्रैफिक में। अटल टनल के लिए कल हुई है 12,000 गाड़ियां क्रॉस, सोचो आप 12,000। हाँ जी, रिकॉर्ड है, जब से टनल बनी आज तक का रिकॉर्ड पर डे। हाँ तो वही तो मुझे लगा था कि 1.5-2 किलोमीटर अलग है, पर अभी पता चल रहा है 5 किलोमीटर दूर है। चलो कोई बात नहीं, थोड़े पतले होके जाएंगे आंटी यहाँ से। हैं, सुबह नाश्ता करके माल रोड आने तक का हमारा नाश्ता पच जाएगा। पर पिछले साल हम लोगों ने न्यू ईयर पे धर्मशाला का ट्रिप किया था ना, तो न्यू ईयर हमारा घूमने में निकला। पिछले साल हमने इतने ट्रैवल किया है, पर फिर भी मुझे सबसे ज्यादा मजा वहीं आया। अभी हम पहुंच गए अपने होटल में और हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी नीचे, तो आई कुडंट शो यू द होटल, बट इट इज सो ब्यूटीफुल। लाइक सबसे पहली चीज जो ट्रिप्स में होता है जो मेरा दिल खुश कर देती है, वो होती है होटल एंड देन होता है रूम, एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक बिगेस्ट चेक। मैं ये होटल का ना लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूंगी, तो अगर आप लोग कभी मनाली आते हो तो आप जरूर इसे चेकआउट करना। थोड़ा सा सिटी से दूर है, मॉल रोड से दूर है, अराउंड 4-5 किलोमीटर्स, बट लाइक इट इज जस्ट परफेक्ट। क्योंकि मुझे उतना सिटी रश अगर चाहिए होता तो मैं दिल्ली से या मनाली नहीं आती। आई एम जस्ट लविंग द रूम। तो अभी मैं आप लोगों को रूम टूर देती हूँ, सो या लेट्स गो। सो जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ राइट हैंड साइड पे हमारा वॉशरूम है, गिव देम अ ग्लांस ऑफ द वॉशरूम। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, इट इज सो ब्यूटीफुल। और यही वॉशरूम के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारा ये लगेज का एरिया है, तो हैंगर्स वगैरह भी है, बट अभी फिलहाल के लिए हमने अपना लगेज यहीं पे रखा है। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे एक चेयर एंड टेबल है, सो वी कैन गेट रेडी। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम है ये फुल लेंथ मिरर, तो यहाँ से आप लोगों को मेरे बहुत सारे गेट रेडी विद मी शॉट्स देखने को मिलेंगे, और मैं रोज सुबह यहीं से आपके साथ ब्लॉग में चेक इन करूंगी। देन एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे एक रग बिछा है एंड हियर वी हैव आवर बेड, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। वन होटल रूम्स की तो बेस्ट पार्ट होती है उनके बेड, लाइक दे आर सो सॉफ्ट, मजा आने वाले यहाँ पे। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल डेकोर ऑन द वॉल एज वेल, एंड देन साइड टेबल्स के वहाँ पे लैम्प्स हैं, सो द डेकोर इज ब्यूटीफुल। देन एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे एक लाउंज करने के लिए भी सीटिंग दे रखा है, एंड यहाँ से पूरा हमें बाहर व्यू दिखेगा। तो अगर ठंडी में बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है तो यहीं पे बैठ के हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बट दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम, दिस इज वाई आई चोज दिस होटल। दिस इज द बालकनी एंड द व्यू, एंड इट इज सो प्रिटी, आई मीन वाओ। मतलब अगर कहीं बाहर नहीं भी जा रहे हैं, जस्ट सिटिंग हियर सिपिंग ऑन टी एंड एंजॉयिंग द व्यू, एंड आई विल बी सॉर्टेड। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे वेदर फोरकास्ट हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली आज रात में या कल बर्फ पड़ जाएगी, एंड दिस एरिया वुड बी फुल्ली कवर्ड इन स्नो, दैट वुड लुक सो ब्यूटीफुल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड अब हमें भूख लगने वाली है, नहीं भूख लग चुकी है, तो अब हम जाने वाले खाना और चाय का वेट कर रहे हैं। जैसे आ जाएगा वील सिप ऑन दैट एंड देन आई टेक यू गाइज अलॉन्ग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग, तो अगर आप लोगों को व्लॉग्स मजा आ रहा है सो मेक श्योर यू लाइक दिस व्लॉग। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई विल स्टार्ट अनदर व्लॉग फ्रॉम नाउ ऑन। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, एंड फॉलो मी विद द ट्रैवल सीरीज टू व्यू मनाली विद मी। And I'll see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.